Hi guys, I am Vishani and you are watching my channel Art and Craft by Vishani Vora. चलिए आज हम सीखेंगे रेजिन आर्ट से वॉल क्लॉक कैसे बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम राउंड वॉल क्लॉक बनाएंगे। सर्कुलर MDF बोर्ड लिया है, ये मैंने MDF बोर्ड 14 इंच डायमीटर वाला लिया है। ये कोई भी कारपेंटर की दुकान पे ये मिल जाता है। मैंने उनको बोला था कि मुझे वॉल क्लॉक बनाना है, तो उन्होंने मुझे इस तरीके से पीछे की साइड पे ये दोनों पट्टी लगा के दी और बीच के पोर्शन में वो जो हम मशीन रखते हैं उसका पार्ट भी करके दिया है। अभी जो साइड का पार्ट है उसमें यहाँ पे मैंने मास्किंग टेप लगा ली है। सिंपल जो मास्किंग टेप मिलती है मैंने वही लगाई है इसमें, क्योंकि हम जब यहाँ से हम रेजिन डालेंगे तो नीचे के साइड पे थोड़े ड्रॉप्स आ जाएंगे और वो ड्रॉप्स को निकालने के लिए मैंने यहाँ पे मास्किंग टेप लगाई है। अभी हम जब यहाँ पे रेजिन डालेंगे तब नीचे के साइड पे भी थोड़ा सा गिरेगा रेजिन, तो उसके लिए मुझे कुछ बेस में लेना होगा ताकि जो फ्लोर है वो बिगड़े ना। इसके लिए मैंने यहाँ पर मेरे पास अभी सिलिकॉन का मोल्ड था तो मैंने वही ले लिया है, और ये स्पेयर में थोड़ा प्लास्टिक है तो उसको भी मैंने ले लिया है। उसको रख के, ठीक से रख के हम इस पे रेजिन डालेंगे ताकि नीचे का फ्लोर बिगड़े नहीं। तो ये हमारा प्रॉपर सेट हो गया। बीच के पोर्शन में भी मैंने मास्किंग टेप लगा ली है ताकि वो नीचे के साइड पे रेजिन गिरे ना। अभी हम मेन पार्ट है जो रेजिन मिक्स करना है वो करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे सिलिकॉन मोल्ड लिया है। ये सिलिकॉन मोल्ड रीयूजेबल होता है ताकि हम बार बार हमें डिस्पोजेबल ग्लास यूज़ ना करना पड़े। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये सिलिकॉन मोल्ड लिया है। इसमें ही हम ट्रांसपेरेंट रेजिन मिक्स करेंगे। एपोक्सी ट्रांसपेरेंट रेजिन है तो आज मैं ये यूज़ करने वाली हूँ। ये रेजिन है और ये जो दूसरा वाला है छोटी बोतल वो हार्डनर है। तो सबसे पहले मैं वेइंग बैलेंस ऑन कर दूंगी, उसको टेयर करके ज़ीरो कर दूंगी और उसके बाद हम उसमें रेजिन डालेंगे। रेजिन टू हार्डनर रेशियो 3:1 है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 240 ग्राम्स रेजिन और 80 ग्राम्स हार्डनर ले रही हूँ। थोड़ा सा 2-3 ग्राम ज़्यादा हो गया बट दैट्स फाइन, उसके हिसाब से हम हार्डनर ले लेंगे। 240 है तो उसके हिसाब से 81 ग्राम हार्डनर लेंगे। तो चलिए फटाफट से हार्डनर ले लेते हैं। ओके, ये हमने ले लिया है। अभी हम उसको प्रॉपरली मिक्स करेंगे और इस तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो कंसिस्टेंसी है वो इवन हो जाए पूरे के पूरे लिक्विड में। ऐसी चीज़ से मिक्स करना है जो रिएक्टिव ना हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई लकड़ी है जिसमें से कलर निकल रहा है तो वो हम नहीं ले सकते। ऐसी चीज़ लेनी है जिससे प्रॉपरली मिक्स हो जाए और उसका कलर ये मिक्सचर में ना जाए। तो ये हमने प्रॉपर मिक्स कर दिया। मिनिमम 2-3 मिनट्स तक मिक्स करना होता है, तभी जाके इसकी कंसिस्टेंसी सेम होती है। तो ये हमने ट्रांसपेरेंट रेजिन प्रॉपरली बना दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये डिस्पोजेबल ग्लास में लिया। अगर कोई भी कलर मुझे ऐड करना होगा तो मैं अलग अलग डिस्पोजेबल ग्लास का ही यूज़ करूँगी कलर ऐड करने के लिए, और जो वो मेन सिलिकॉन वाला जो मोल्ड था उसमें तो मैं ट्रांसपेरेंट रेजिन ही मिक्स करूँगी हर बार। तो यहाँ पे मैं वाइट कलर ले रही हूँ। यहाँ पे जो बोतल होती है कलर वाली जो बोतल होती है उसमें कोई भी हम स्टिक नहीं डाल सकते, पूरी साफ़ करके ही स्टिक डालनी होती है। अगर रेजिन वाली स्टिक डालेंगे तो कलर अंदर ही अंदर ड्राई हो जाता है और वो पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि रेजिन वाली स्टिक अगर हम डालें तो उसको प्रॉपर साफ़ करके डालना होता है। यहाँ पे मैंने एपोक का कलर यूज़ किया है और बहुत थोड़े से कलर में ही ये बहुत अच्छा वाला कलर दिखाता है। रेजिन के मिक्सचर में थोड़ा ही कलर लेना होता है तो ये वाला कलर सही रहता है। अभी जिस तरीके से हमने वाइट कलर लिया था उसी तरह से हम दूसरा भी कलर लेंगे, गोल्डन कलर, और वो भी सेम कंपनी का ही मैं ले रही हूँ।
एपोक का, सेम एज फिर से कोई भी स्टिक लेना हो, जो भी स्टिक लेना हो वो हम साफ़ करेंगे और उसको कलर में डाल के इस तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है गोल्डन का, तो हमने यहाँ पे वाइट एंड गोल्डन कलर बना लिया है। अभी नेक्स्ट है जो हम थोड़ा सा अलग करेंगे, यहाँ पे हमें कोई कलर नहीं डालना है। कलर के ऑप्शन में हम यहाँ पे गोल्डन फ्लेक यूज़ करेंगे। यहाँ पे मेरे पास गोल्डन फ्लेक की शीट है, आपको कोई भी स्टेशनरी में ये मिल जाएगी, और इसके लिए मैं यहाँ पे पूरी एक गोल्डन शीट का यूज़ करूँगी। ध्यान रहे ये फॉयल डायरेक्टली हाथ में लगे ना, क्योंकि अगर लग जाएगा तो डायरेक्टली वो स्टिक हो जाएगा और वो बिगड़ जाएगा। तो इस तरीके से हम स्टिक से यूज़ करेंगे और जो हमारा रेजिन है एपोक्सी ट्रांसपेरेंट रेजिन उस पर डाल देंगे एंड देन मिक्स इट प्रॉपरली। तो इस क्लॉक को बनाने के लिए मुझे मेन जो 3 पोर्शन चाहिए थे वो मैंने बना लिया है, एक वाइट कलर का, एक गोल्डन कलर का एंड थर्ड वन इज़ गोल्डन फ्लेक। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। उसके लिए अभी मैंने जो यहाँ पे बेस रेडी किया था मैं ये ले लूँगी, और यहाँ पे हम बेस में वाइट कलर का कोट करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे वाइट कलर कर लिया। धीरे धीरे डालना है क्योंकि एक साथ में बहुत ज़्यादा डाल दिया तो वो डायरेक्टली गिर जाएगा नीचे की साइड पे, तो धीरे धीरे डाल के स्प्रेड करना है। ये पूरा स्प्रेड हो गया है, अभी मुझे यहाँ पे मार्बल इफ़ेक्ट देनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर लिया और उसको मैं स्लाइड धीरे धीरे यहाँ से इस तरीके से लाइनिंग बनाऊंगी और उसके बाद मैं उसको स्प्रेड करूंगी। रैंडम ही लाइन मैंने बनाई है तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, पर मुझे लास्ट में एक मार्बल इफ़ेक्ट चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से लाइन बना रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे ये मशीन है जिसकी हेल्प से मैं इसको स्प्रेड करूँगी। जो मैंने गोल्डन स्ट्रिप बनाई थी उसको मैं धीरे धीरे स्प्रेड करूँगी इस तरीके से। एक बार ये हो गया उसके बाद फिर से हम यहाँ पे इस तरीके से स्प्रेड करेंगे, सेम लाइन पे ही स्प्रेड करेंगे। ये देखिए यहाँ से हम धीरे धीरे स्प्रेड करेंगे। जो हमने पहले जो प्रोसेस की थी वो फिर से प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्लेक्स डाल दिए हैं और रेंडमली ही डाला है और उसको रहने दिया है। अभी उसको 24 आवर तक सूखने देंगे। 24 आवर के बाद ये हमारा रेजिन पूरा सूख गया है। अभी मुझे क्लॉक में नंबरिंग करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बीच में एक होल कर दिया है ताकि मुझे सेंटर पॉइंट पता चले, और उसके हिसाब से मैं यहाँ पे 1 to 12 नंबरिंग करूँगी। अभी हम अलग अलग तरीके से 1 to 12 नंबरिंग कर सकते हैं, पर मेरे पास यहाँ पे इस तरीके का 1 to 12 नंबर ऑलरेडी है। मुझे यहाँ पे ब्लैक कलर में करना है क्योंकि वाइट कलर और गोल्डन कलर में ये हम ब्लैक कलर का करेंगे तो ये दिखेगा, और उसके लिए मैं यहाँ पे सेमी प्रोटेक्टर का यूज़ करूँगी और 0, 30 degree, 60 degree, 90 degree उस हिसाब से 30-30 के डिस्टेंस पे हम एक एक नंबर डालेंगे। सेमी प्रोटेक्टर का यूज़ करके यहाँ पे मैं सिंपल मार्क करूँगी और बहुत छोटा सा मार्क करूँगी ताकि वो आगे जाके दिखे ना, और इस तरीके से ये पूरा 1 to 12 यहाँ पे लगा लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। अभी मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम नंबरिंग लगाएंगे। ये जो मैंने 1 to 12 नंबर लिए हैं वो मैंने स्टेशनरी से ही लिए हैं, वो भी इजीली अवेलेबल होता है। इसको बहुत ही आहिस्ता निकालना पड़ता है ताकि वो टूटे ना, और इसको हम ग्लू से स्टिक करेंगे क्योंकि इसके ऊपर भी हम एपोक्सी रेजिन का कोट करने वाले हैं। अगर विदाउट ग्लू लगाएंगे तो पॉसिबल है कि ये मूव हो जाएगा। इसी तरह से हम 1 to 12
पूरा नंबर लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से ग्लू लगाया और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने मार्किंग किया था उस पर ही मैंने नंबर स्टिक कर लिया। अभी ये हो जाने के बाद फिर से मैं यहाँ पे एपोक्सी रेजिन का कोट करूँगी और सिर्फ यहाँ पे स्लाइट कोट ही करना है ताकि जो हमने नंबर लगाया है वो कभी भी निकलेंगे नहीं। और इस तरीके से कोट करना है ताकि बहुत ही कम रेजिन नीचे की साइड पे गिरे। ये करने के बाद फिर से 24 आवर तक इसको सूखने देंगे, प्रॉपरली क्योरिंग टाइम उसको देंगे। 24 आवर हो चुका है और ये एकदम ही स्मूथ फिनिशिंग आ गया है। अभी नेक्स्ट स्टेप में पीछे की साइड से हमने जो वो टेप लगाई थी वो मैंने निकाल ली है, पर कई कई जगह पे यहाँ पे रेजिन चिपक गया है तो उसको पहले हमें निकालना पड़ेगा। और उसके लिए मेरे पास एक सैंड पेपर है और इससे वो इजीली निकल जाएगा। रेजिन निकालने के लिए मुझे यहाँ पे पहले एक कपड़ा रखना पड़ेगा नीचे की साइड पे और उस पर यहाँ पे हम क्लॉक लगाएंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे क्योंकि ये जो फिनिशिंग है हमारा वो बहुत ही ग्लोसी फिनिश है। डायरेक्टली नीचे रखेंगे ज़मीन पे तो मे बी स्क्रैचेस पड़ जाएगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे कपड़ा रखा और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे क्लॉक रखी। ये देखिए मैंने ये प्रॉपरली घिस दिया है और अभी अच्छा लग रहा है। अभी नेक्स्ट में मुझे यहाँ पे एक होल चाहिए क्योंकि जो क्लॉक का मशीन आता है मैं यहाँ से ही अंदर डालूँगी, तो उसके लिए मैं ड्रिलर का यूज़ करूँगी। मैं भी फर्स्ट टाइम ही ये ड्रिलर का यूज़ कर रही हूँ, तो चलिए देखते हैं कैसा होल बनता है इससे। धीरे धीरे से करके यहाँ पे मैं होल बनाऊँगी, थोड़ा सा करके आगे की साइड पे चेक करते जाएंगे क्योंकि ऐसा ना हो कि आगे की साइड पे स्क्रैच आ जाए। तो ये हमारा होल बन गया, अच्छा बना है, इट्स गुड। अभी यहाँ पे जो क्लॉक का जो मशीन है मैं उसको लगाऊंगी और ये उसके ऊपर जो आर का कांटा होता है वो लगाएंगे। इसको हम पूरा घुमा के देख लेंगे कि कहीं पे भी ये टच तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये जो गोल्डन फ्लेक्स हमने डाला है वो एम्बोस्ड है। उसके ऊपर यहाँ पे हम मिनट का कांटा डालेंगे और लास्ट में ये सेकंड वाला कांटा। एक बार देख लेंगे ये प्रॉपरली घूम रहा है कि नहीं, एंड ऑल डन। तो ये रहा हमारा रेजिन वाला वॉल क्लॉक रेडी। कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा नोटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट फ्राइडे को फिर से मिलेंगे कुछ नए आर्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद आर्ट एंड क्राफ्ट पर विशानी बोरा। बाय बाय।